क्या कहने? अच्छा सुनो, अब खत्म करो ये दोस्ती का मामला। यार समझ नहीं आ रहा मुझे, यानी थोड़ा और चलने दूं या खत्म कर दूं, कुछ भी हो मजा आ रहा है। यार समझ नहीं आ रहा मुझे, यानी थोड़ा और चलने दो या खत्म करूं फिर। हाँ यार कैसे करूं, मुझे तो बहुत शर्म आएगी। बात सुनो असली, उसे खो दोगी तुम, क्योंकि वो दोस्ती से उकता चुका है, कभी भी चला जाएगा कहीं। जाहिर है जिंदगी भर तो इंतजार नहीं करेगा तुम्हारा, तुम्हें फौरन ऑन करना होगा। ठीक है फोन करती हूँ उसे। हाँ बेल जा रही है। हेलो दुरक। हाँ बोलो असली। बस आज से हम फ्रेंड्स नहीं हैं। देखो असली, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस न्यूज से। इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या मतलब, मैं समझी नहीं, कौन सी न्यूज? भाई और हयात की न्यूज है ना अखबार में। कौन से अखबार में यार, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अखबार नहीं देखा। इस बार तो बहुत बुरा हुआ है, हयात की फैमिली के साथ साथ हमारी भी जिल्लत होगी। दुरुग तुम क्या कहे जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सी खबर? यार असली तुम चेक करो ना इंटरनेट पर। हशमत दादा और हयात के खिलाफ खबर है। हेडलाइन है क्या? दादा और पोती का झूठ बेनकाब, पूरा खानदान शामिल था। क्या बकवास है। मैं आ गया हूं, चलो घर चल रहे हैं। हयात। माफ कीजिए, आप कौन हैं? हयात डियर, देखो रात बहुत हो गई है, चलो घर चलें, बस आ जाओ। हयात। सर सलमास, हयात सर सलमास है मेरा नाम। देख लिया भाई साहब, ये है वो जालिम शख्स। कैसे हैं मुराद साहब? हाँ मैं ठीक हूँ। बात सुनो, इसे तुमने कुछ हम दोनों के बारे में बताया तो नहीं ना? सब बता दिया है, वो जो तुमने मेरे साथ किया और किस तरह मेरा दिल तोड़ा। लेकिन वो तो सब हमारी पर्सनल बातें हैं। हमारी पर्सनल लाइफ भी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ओके शो खत्म, बस घर चल रहे हैं, चलो। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं नहीं चल रही घर और ना अब रहूंगी वहां। हयात। भाई साहब एक और ड्रिंक देंगे? जी देता हूँ अभी। हयात बस कर, सबर मत आजमाओ मेरा, बस घर चलो फौरन, उठ जाओ। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? शोहर हूँ तुम्हारा डार्लिंग, शोहर। आज से मेरी मर्जी चलेगी, बस तुम चले जाओ यहां से, मैं नहीं चल रही। हयात इनफ, चलो। उफ, मुझे एक और ड्रिंक चाहिए ना। ओह मैं गिर रही हूं। चलो बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से, अपनी हालत देखो कितनी शर्मिंदगी हो रही है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनो तुम बहुत अच्छे हो सच में, मगर जब तुम गुस्से से देखते हो ना मुझे, तो लगता है दिल में खंजर सा उठ गया।
अभी कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं, अपने घर वापस चलना है, ठीक है? ये तो मसला हो गया एपिक, क्या करें? मैंने आंटी को उठाएं क्या जाकर? पागल हो गई हो, इतनी रात को उठा के परेशान करोगी उन्हें? सुबह बता देंगे आराम से। किस कदर घटिया सहाफत है, गरीब शख्स रातों रात अमीर हो गया, लड़की के दादा का प्लान, कितने नीच लोग हैं। हाँ यार, हशमत दादा को अगर भनक भी पड़ गई इसकी तो वो तो गोली मार देंगे। उनको भिनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों, किस चीज की भिनक नहीं लगनी चाहिए मुझे? दादा, क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ मुझे जल्दी। यार कहा ना, दिखाओ मुझे ये क्या है। अरे दादाजी कुछ भी नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं है तो छुपा क्यों रही हो मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे तो। या अल्लाह, बुड्ढे आदमी को तुम तक क्यों परेशान कर रहे हो, दिखाओ मुझे क्या है ये। या अल्लाह, इंसान इतने घटिया पन पर भी उतर सकता है क्या? क्या क्या खराफात लिख दी हमारे बारे में, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बकवास करने की? दादा और पोती का एक घिनौना प्लान, हमें धोखेबाज लिखा है उन्होंने, एक पैसे का धोखा नहीं किया आज तक, और ये लोग हमें धोखेबाज लिख रहे हैं, धोखेबाज। दादाजी, दादी जी क्या हुआ? दादाजी क्या हो रहा है? संभालिए खुद को। दादाजी, दादाजी, हशमत दादा, हशमत दादा, दादा! Love's an unlamar.